सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। बरसात नवरात्र की आज सप्तम नवरात्र के अवसर पर आप सभी भक्तों का मां के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत और मां वैष्णो देवी की ओर से पूरे विश्व को आज सप्तम नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और मां वैष्णो देवी की ओर से सभी भक्तों को वर्धापन आशीर्वाद। मां भगवती की जो नौ रूप हैं, उन नौ रूपों में आज सातवां रूप जो है मां भगवती कालरात्रि का है। आज के दिन भक्तजन जो है जहां मां भगवती कालरात्रि की आराधना, मां की उपासना जो है, भगवती के स्वरूप की उपासना जो है ये करते हैं। मां दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग जो है अंधकार की तरह एकदम काला है और इनके केश जो है, बाल जो है ये बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके तीन नेत्र हैं और ये तीनों नेत्र जो इनके ब्रह्मांड की तरह गोल हैं और इनकी चार भुजा हैं। एक हाथ जो है इनका भर मुद्रा में है, एक अवय मुद्रा में है। एक हाथ में कांटा है, एक हाथ में कटार है। जिब्बा इनकी बाहर निकली हुई है। इस प्रकार से कालरात्रि का स्वरूप जो है ये देखने में अत्यंत भयानक है, परंतु इनका एक नाम जो है शुभम करी है, क्योंकि ये हमेशा भक्तों का शुभ करती है, भक्तों की रक्षा करती है, भक्तों का कल्याण करती है और दुष्टों का सर्वनाश कर डालती है। ये कालरात्रि यही महाकालिका जब रूप धारण करती है तो ये विनाश का कारण बन जाती है, क्योंकि यही भगवती जो है व्याप्तम त्रैत सकलम ब्रह्मांड मणजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूप है। महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली भी भगवती महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में जो है जो व्याप्त है और यही भगवती जो है सेव काले महामारी सेव भोजया सिद्धिम करोति भूतानाम सेव काले सनातनी। समय समय पर जो है महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती ही भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार जो ही संपूर्ण भूतों के सब प्राणियों की रक्षा करती है, यही महामारी का रूप धारण कर लेती है। इसलिए कहा गया है कि भगवती की आराधना, मां की उपासना जो है इस सब ओर से परम कल्याण को देने वाली है। सर्वदा जो है जो भक्तजन भगवती की शरणागत होकर के भगवती की उपासना करते हैं, ये भगवती उन भक्तों की हमेशा सब ओर से रक्षा करती है। कालरात्रि एकदम जो है काल जो है ये काल का रूप यही धारण करती है। महामारी के रूप में जी भगवती जो है विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए इस देवी की आराधना, मां की उपासना जो है करने से शुभ की प्राप्ति होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है और महाकाल की उपासना करने से जो है कभी शत्रु भय नहीं रहता। शत्रु भय जो दूर रहता है, रात्रि भय नहीं होता कि जंतु के जीव का जो है इस प्रकार को शाम काट ले, विश्व काट ले, उस जीवों का भी जो है भय नहीं रहता है।
कई मनुष्य के काल मृत्यु नहीं होती है, पूर्ण आयु को भोग करता है इस प्रकार से भगवती की आराधना करने से। जल की राशि का अर्थ है कई बार अकस्मात जल में डूब करके मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, जीव की मृत्यु हो जाती है, तो भगवती की उपासना करने से उसको जल राशि का भी भय नहीं रहता, अग्नि का भय नहीं होता, और कभी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते ही जो भगवती की शरण होकर के इस जगजन जगत माता की उपासना करते हैं। जो काल रात्रि जो है ये शत्रु का नाश करती है, जो भक्तों का शुभ करती है, इसलिए इनका नाम जो है शुभम करी है। और प्रयत्न पूर्वक साधक जो है जो अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधे चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, परिवार में मैत्री समृद्धि चाहते हैं, अपने जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस जगजन्य जगत माता के शरणक होकर के इस शक्ति उपासना अवश्य करनी चाहिए। धर्म कर्म जो है ये करते रहना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है यही रोगों का नाश करता है, आदि व्याधियों को दूर करता है, दीर्घायु को देता है, शत्रु विजय दिलाता है, इस लोक में सौ सुखों को देता है और लोग भी कल्याणमय कर देते हैं। इसलिए जीवन कभी धर्म का त्याग न करें, अच्छे कर्म, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण जो है, ये जप, ये पाठ, ये पुण्य कर्म, दीन दुख सेवा, परोपकार की भावना, ये सब जो सत्कर्म जो होते हैं, यही मनुष्य का सब ओर से कल्याण करते हैं, रक्षा करते हैं, मंगल करते हैं। इस धर्म में आपको दृष्टांत दे रहा हूं। कहते हैं कि एक बार एक राजा थे, अपने जीवन उन्होंने राज्य की वृद्धि की और धन से खजाना भरते रहे, कभी कोई धर्म कर्म नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसी जीवन कभी कोई सोच आई ही नहीं। प्राय ऐसा होता था कि राजे महाराजे जो थे जी जन कल्याण के लिए धर्म कर्म किया करते, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे, परंतु ये राजा जो थे इनका एकमात्र जो उद्देश्य था राज्य की वृद्धि करना, खजाना ठीक प्रकार से भर लेना, तो धन एकत्रित करना, परंतु उसको अपने जीवन में अच्छे कार्य में नहीं लगा सके। ऐसे चलते चलते जीवन बीत रहा था। एक दिन राजा सोए हुए थे तो उन्हें सपन आया और सपन में उसको काली छाया जो थी वह दिखाई दी। अभी कुछ समय पूर्व जो वैज्ञानिक कह रहे थे कोई ऐसी काली छाया एक ब्लैक होल है, ब्लैक होल जो जमीन की तरफ आ रहा है और वह सबको अपनी तरफ खींच लेगा और जिससे ये सब समाप्त हो जाएगा। उन्होंने ब्लैक होल कहा है, हम उसको महाकाल या महाकाली कहते हैं, शास्त्र उसको महाकाल कहा गया है, महाकाली कहा गया है। और उसका जो क्या ब्लैक होल, जैसे इसका जो रंग मैंने बतलाया है, जो शास्त्र बतलाया गया है कि एकदम अंधकार की तरह काला है, भयंकर, और ऐसा स्वरूप है जिसको जो देखकर ही व्यक्ति सुनकर ही भयभीत हो जाते हैं, परंतु जो भक्तों की रक्षा करती है, भक्तों का शुभ करती है, तो काली छाया के रूप में जो है राजा को दर्शन हुआ, काली छाया दिखाई दी और राजा से उसने कहा कि राजन आप कल जो है ठीक समय पर ठीक स्थान पर जो है सूर्य से पहले आप पहुंच जाना। तब राजा ने पूछा कि क्यों, किस लिए और आप कौन हो। तब उस काली छाया ने कहा कि राजन तुम्हारा समय आ चुका है, मैं मृत्यु हूं, तुम्हारा समय आ चुका है और मैं मृत्यु हूं, कल मैं आपको लेने के लिए आऊंगी, सूर्य से पहले जो है ठीक स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाना। अब राजा एकदम घबराए, पूरे शरीर पर पसीना आ गया और घबराए हुए चिल्ला उठे। आप सभी घर के सेवक जो है दौड़ पड़े, राजा को क्या हुआ, वैद्य आ गया, मंत्री आ गए, सब पूछने लगे। राजा चले चलते आगे पीछे देखते हैं, कुछ दिखाई देता नहीं। तब मंत्र पूछा बात हुई क्या है,
तो उन्होंने कहा कि ऐसा सपन देखा है कि ऐसी काली शाही, एकदम काला रंग था उसका, वो एकदम भय को देने वाली थी। और उसने मुझसे कहा कि मैं मृत्यु हूं, कल सायंकाल को सूर्य से पहले जो है मैं आऊंगी आपको लेने के लिए, ठीक समय पर ठीक स्थान पर पहुंच जाना, इतना उसने कहा है। तो मंत्र ने कहा देखो सपन तो सपन होता है, ये सपन कुछ नहीं होता है, इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए। लेकिन राजा जो है बड़े घबराए हुए थे, फिर भी अब सबने विचार करके राजा से कहा देखो यदि आपको ऐसा भय भी है, वह काली शाह जिसको आपने देखा है ये इसी महल में कहीं आगे पीछे यहीं पे होगी और सायंकाल को आपको लेने आएगी यहां पर, अब ऐसा कीजिए आप अपने राज्य से कहीं बथुरा बाहर निकल जाइए, कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाइए। ऐसा परामर्श मिला कि मृत्यु को धोखा दे रहे, जिसका जन्म है उसका मर्म जो निश्चित है, इसलिए जीवन रहते हुए मनुष्य को अपना कल्याण कर लेना चाहिए अच्छे कर्म कर करके। और जब जब पता चल जाए कि मेरी मृत्यु सामने है और उसने संकेत दे दिया है और मृत्यु तो निश्चित है, तो ऐसे समय में जो है मनुष्य को यह धर्म कर्म करना चाहिए जो भी समय मिल जाए। राजा प्रेषक को ऋषि ने श्राप दे दिया कि सातवें दिन तो ये सांप ढसेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। सात दिन पहले उसे पता चल गया कि मेरी मृत्यु हो, वैसे तो एक पल का पता नहीं होता। तो राजा प्रेक्षक को जब जब पता चल गया तो उसने राज्यपाल सब को त्याग दिया, वैराग्य धारण करके गंगा तट के किनारे चले गए और वहां जाकर के जो है जब बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि संत महात्मा वैद्य वहां पर आकर कह ले घबराते क्या हो, हमारे पास मंत्र है, मंत्र से हम आपको जीवित कर देंगे, सांप का जीव विष जो निकाल देंगे। वैद्य ने कहा हमारे पास ऐसी औषधि है जिसको लगाने से विष जो है निकल जाता है, आपको कुछ नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन उस समय राजा ने यही कहा था क्या मुझे बचने का उपाय ना बतला करके मुझे ये बतलाइए कि खास करके अंतिम समय में जब मृत्यु का समय सामने आ जाए उस समय मनुष्य को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, ये बतलाइए। उस समय उन्होंने ये प्रश्न किया था और सात दिन में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर करके सुखदेव जी ने उसे कथा सुना करके जो है उसको मोक्ष दिला दिया था सात दिन में। ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, इसलिए सत्संग अंतिम समय में क्या है, सत्संग भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान, यदि उस समय आप ध्यान कर लेते हैं तो भगवान कहते हैं वह जीव जो है मुझे ही प्राप्त होता है, अंत काल च मामेव स्वन्मुक्त कलेवरम जा प्रजाति सा मद्भाव जाते नास्त्र संशय। इसमें किसी प्रकार किसी को संशय नहीं होना चाहिए। अंतिम समय में यदि कोई मेरा स्मरण करता है, मेरा ध्यान करता है, मुझे याद करता है तो निश्चय रूप से वह मुझे ही प्राप्त होता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता है, वह परमोक्ष को प्राप्त हो जाता है। परंतु यहां पर राजा को जो बतला रहे हैं कि अब राजमहल से कहीं बाहर चल जाए कुछ दिनों के लिए जो है इस स्थान को आप त्याग दीजिए और जो काली शाही आपने देखी है वो जहीं कहीं होगी अब आएगी देखेगी तो चली जाएगी, क्योंकि आप तो यहां पर होंगे नहीं। परंतु उस समय कोई ऐसा सदगुरु उसे मिला नहीं, कोई ज्ञानी पुरुष उसको महापुरुष का दर्शन हुआ नहीं जो उसका मार्गदर्शन करता है कि कम से कम इतना समय मिला है, कल शाम तक जो आपको समय मिला है आप कुछ अच्छा काम कर सकते हो। किसने ऐसा मार्गदर्शन किया नहीं और राजा ने भी उनकी बात जो उन्हें अच्छी लगी, ठीक है जहां से निकल जाता हूं, घोड़े पे सवार हुए और राजमहल से निकल गए। घोड़ा बड़ा तेजी से भागा और बड़ी इतनी तीव्र गति से वह गया और सायंकाल को जैसे ही जिस नगर में जाकर पहुंचा और राजा घोड़े से नीचे उतरे और घोड़े की पीठ थपथपाते हुए घोड़े का धन्यवाद करने लगे कि तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, इतने थोड़े से समय में आप मुझे इतनी दूर भगा करके ले आए। तो पीठ पर हाथ फेरते हुए बैंक घोड़े का धन्यवाद करने लगे और पीछे काली छाया खड़ी थी, उसने भी राजा के पीठ पर हाथ रखा और कहा कि राजन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी मृत्यु यहीं पर लिखी थी इसी स्थान पर और आप बिल्कुल ठीक समय पर ठीक स्थान पर आप पहुंच गए, इसलिए राजन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो कहते हैं कि सदगुरु और भक्ति के अभाव में मनुष्य जो है उसी दुख के पास पहुंच जाता है
जब उसे पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, फिर वह समय हाथ में आता नहीं। इसलिए शास्त्र ने कहा कि जीवन रहते हुए अपना कल्याण कर ले, धर्म कर्म कर करके। किसी सदगुरु की महापुरुष की शरण मिल जाए, क्योंकि सदगुरु क्या करते हैं, अपने ज्ञान द्वारा जो है उसका मार्गदर्शन करते हैं कि संसार में आकर के मनुष्य को करना क्या है, वह किस लिए यहां पर आया है और कब तक उसको यहां पर रहना है, क्योंकि एक दिन यहां से जाना है। वह समय आएगा कैसे भी, चाहे उसकी चलते चलते मृत्यु होगी, चाहे भोजन करते करते मृत्यु हो जाएगी, चाहे सोते सोते ही मृत्यु हो जाएगी, या किसी रोग से या महामारी से, जैसे कैसे भी होगा, क्योंकि मृत्यु निश्चित सबकी, चाहे कोई निर्धन व्यक्ति है, चाहे कोई धनवान व्यक्ति है, चाहे किसके पास सब प्रकार व्यवस्था है, किसी के पास व्यवस्था ना होते हुए भी, परंतु ये सोचे कि मारा इसके पास सारी व्यवस्था है, इतना धन है, जो बड़े बड़े डॉक्टर दिखा सकता है, जो जहाँ विदेश में भी जा करके अपना इलाज करवा सकता है, परंतु बचेगा नहीं, कहीं भी जाएगा, मृत्यु जो सबकी निश्चित है। इसलिए जो है जीवन रहते हुए धर्म कर्म करें, भगवान की भक्ति करें, और भक्ति से ही मनुष्य का कल्याण है, क्योंकि भक्ति से यदि आपकी आयु है, धर्म कर्म करने से, भक्ति करने से, जप करने से, साधना करने से यदि आपकी आयु है, तो आप रोग से मुक्त हो जाओगे, आपको रोग जो है वह कष्ट नहीं देगा, आपकी पूर्ण आयु होगी। और यदि समय समाप्त हो चुका है, तो भक्ति करने से, पुण्य कर्म करने से आपका परलोक जो है वह सुधर जाएगा। दोनों हाथ में लड्डू होते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय।